अरे भाइयों और बहनों, ये फोटो देखो, थोड़ा ये रहलुआ के चाचा हैं, खो गए हैं कहीं। थोड़ा खोजने में मदद कराओ हम लोगों की। पता नहीं कहाँ पर खो गए हैं। कल गए थे दारू लेने, वहीं पर रह गए, वो अभी तक घर नहीं लौटे। थोड़ा टेंशन में हम लोग पूरा परिवार। थोड़ा बताना, कहीं मिलेगा तो, किसी को दिखे तो हमारे नंबर पर फोन कर देना। अरे भूल गई, हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। चिट्ठी लिख देना हमें, हम खोज लेंगे। बस चिट्ठी लिख देना कहाँ पर हो, एक आध महीने में चिट्ठी मिलेगी, उसके बाद हम लोग खोज लेंगे उनको। ओ सासू माता, अरे खोने दो रलुआ के चाचा को, पियक्कड़ है, कहीं दारू वारू पी के पड़ा होगा। चलो छोड़ो उनकी बातें, हम लोग फटीचर हो गए हैं एकदम। अब की दिवाली पर हम लोगों के लिए नया कपड़ा खरीद देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए पुराने कपड़े पहनते पहनते। देखो चप्पल भी नहीं है पाँव में। अब हम लोग क्या करेंगे, दिवाली को अच्छे से मनाएंगे। प्रियंका को मैंने बोला है नई साड़ी दिलाने के लिए। थोड़ा पैसे मुझे उधार दे देना, 500-600 रुपये। नई साड़ी प्रियंका को दिलाऊंगा आपकी दिवाली पर। और मेरे लिए भी एक अच्छा सा कपड़ा खरीद देना दिवाली के दिन। अरे सासू माता, कोई गिफ्ट तो दे दो, दहेज तो तुमने दिया नहीं 1 भी रुपये। चलो कोई गिफ्ट ही दे दो हमें दिवाली वगैरह पर पहनने के लिए, क्योंकि त्यौहार हम लोग अच्छे से मनाएंगे, तभी ना मज़ा आएगा सासू माता। चलो कोई बात नहीं, जो भी करना अच्छे से करना सासू माता। अरे मम्मी, यो मम्मी, मेरे को भी नया कपड़ा चाहिए, समझ गई ना? अगर मुझे नया कपड़ा नहीं मिला तो मैं दिन भर रोऊंगा, मट्टी में गिर गिर के रोऊंगा, समझ गई? अगर मुझे नया कपड़ा नहीं दिलाओगी, जीजा जी को दिलाओगी, दीदी को दिलाओगी, मुझे भी नया कपड़ा चाहिए, समझ गई? नहीं तो दिवाली पर मैं बम की जगह अपने जीजा दीदी का सर फोड़ दूंगा, समझ गए? मुझे भी नया कपड़ा चाहिए, समझ गए मम्मी?